दक्षिण भारत के धन्ना सेठ ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, खनन के लिए मशहूर जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्हें बड़े नेताओं ने पार्टी में शामिल कराया है। रेड्डी अवैध खनन के मामले में जेल जा चुके हैं। तमाम केस उनके ऊपर पेंडिंग है। इस मामले से जुड़े जज तक ने एक बार कह दिया था कि जमानत के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपए रेड्डी एंड ग्रुप की तरफ से ऑफर किया गया है। अब वही रेड्डी देश हित में ये कहते हुए बीजेपी से जुड़ गए हैं कि अब मोदी जी के साथ काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। दरअसल कर्नाटक के विधायक और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने आखिरकार अपनी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी KRPP पार्टी को बीजेपी में विलय कर दिया है। इसे उन्होंने घर वापसी बताई है। रेड्डी ने कहा कि विलय का उद्देश्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करना और प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल का समर्थन करना है। उनके साथ उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी भी शामिल रही। रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा और उनके बेटे राज्य इकाई के प्रमुख BY विजेंद्र की उपस्थिति में भगवा पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। रेड्डी ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसका एक फोटो भी उन्होंने जारी किया था। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमेशा मेरे खून में थी, लेकिन कुछ कारणों से मैं बाहर चला गया था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी माँ की गोद में वापस आ गया हूँ। यहाँ अपने भाइयों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं 13 साल बाद भाजपा कार्यालय में वापस आ रहा हूँ। आपको बता दें कि रेड्डी के तमाम मामले अभी भी पेंडिंग हैं। अवैध खनन और भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की कई जाँचें उनके ऊपर चल रही हैं। रेड्डी गंगावती के विधायक हैं और जेल भी जा चुके हैं। हालांकि 20 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ साल पहले वो बीजेपी से नाता तोड़कर चले गए थे। और इसके बाद साल 2022 में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी की स्थापना की थी। कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रेड्डी ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गंगावती विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी और विधानसभा में सीट सुरक्षित करने वाले अपनी पार्टी के एकमात्र नेता थे, यानी अपनी पार्टी के वो एकमात्र विधायक थे। हालांकि उनके भाई जी करुणाकर रेड्डी, जी सोमशेखर रेड्डी, जिन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, वो हार गए थे। बीजेपी के साथ ये विलय रेड्डी की दूसरी बार हिंदुत्व पार्टी में वापसी है। अवैध खनन के आरोप में साल 2011 में कारावास यानी जेल का सामना कर चुके। इसके अलावा उन्होंने साल 2008 में येदुरप्पा के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी मौका पा चुके हैं। 2015 में उन्हें जमानत मिली थी। उसके बाद साल 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था कि रेड्डी से पार्टी को दूर कर दिया गया है और ये भी कहा था कि बीजेपी का जनार्दन रेड्डी के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन अब वो पार्टी में वापस आ चुके हैं। खनन घोटाले के सिलसिले में CBI ने उनकी गिरफ्तारी के बाद करीब 12 साल तक राजनीतिक रूप से उन्हें निष्क्रिय रहने में मजबूर कर दिया था। हालांकि उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए प्रवेश किया और हालांकि अपने सहयोगी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। मोलाकाल मुरु विधानसभा क्षेत्र में अपने करीबी और सहयोगी रहे पूर्व मंत्री B.Shriramulu को लिए उन्होंने प्रचार किया था। जनार्दन रेड्डी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि ये जनार्दन रेड्डी हैं, ये अवैध खनन का छोटा मोटा काम करते हैं, इनके ऊपर CBI के सिर्फ 9 मामले हैं। जनार्दन रेड्डी ने अपनी जमानत के लिए जज को रिश्वत भी ऑफर की थी, यही कोई 40 करोड़ की रिश्वत। जनार्दन रेड्डी पूरे मन से अवैध काम करते हैं, अवैध खनन का काम करते हैं, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उनका काम और फलेगा, साथ ही इन पर लगे सारे केस खत्म हो जाएंगे। यानी तंज कसते हुए कांग्रेस ने आईना दिखाने का काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।